क्लास एट मैथ एक्सरसाइज 3.1 चालू कर रहे हैं हम 3.1, ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, गिवेन हियर आर सम फिगर्स, यहां पे कुछ फिगर दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 फिगर्स यहां पे दिए हुए हैं। अब इस फिगर्स में हमको बताना है, क्लासिफाई, नीचे लिखा हुआ है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग के बेसिस पे हमको इसको क्लासिफाई करना है, तो इसको क्लासिफाई कीजिए, सिंपल कर्व, ठीक है, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल कर्व की जगह में हमने क्या लिखा था, प्लेन कर्व, ठीक है। सिंपल कर्व क्या होता है कि एक पॉइंट पे हमने पेंसिल को रखा और जो भी बनाना है वो हमने बनाते गए, लेकिन लास्ट में इस पॉइंट पे आके मिल जाना चाहिए, रिट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार टच हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां वापस गया और आके फिर ये रिट्रेस जैसा हो गया, तो रिट्रेस नहीं होना चाहिए। ऐसा कर्व को हम सिंपल कर्व बोलते हैं, ठीक है। या क्या है, ऐसा किया, यू किया, ये भी एक सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। क्लोज्ड में क्या होगा कि ये पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, एक बार इस पॉइंट से मिलना चाहिए तो चलेगा, ठीक है, तो क्लोज्ड हुआ। लेकिन सिंपल कर्व ऐसा भी हो सकता है, तो सिंपल कर्व और लेकिन दोनों ही कर्व में, सिंपल कर्व हो और सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, उसमें रिट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल कर्व इसमें कौन कौन सा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो सिंपल कर्व कौन कौन सा है, फर्स्ट सिंपल कर्व है, ठीक है, यहां से पॉइंट लिया, ये चला और लास्ट में इसी पॉइंट पे आके हम यहां मिल गए, ठीक है, कहीं रिट्रेस नहीं हुए, ठीक है, सिर्फ इस पे एक बार रिट्रेस हुए हैं। कैसा परिभाषा था, विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्रॉइंग अदर देन सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच हो सकते हैं और रिट्रेस नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे आके मिल गए, तो ये, ठीक है, ये क्या हुआ, सिंपल कर्व हुआ। ये भी यहां से आए, यहां मिल गए, तो ये दो जो है सिंपल कर्व हुआ। यहां पे पेंसिल हमने रखा, ये घुमाया आके यहां खत्म कर दिया, ठीक है। फिर ये कैसे बनेगा, यहां के लिए पेंसिल रखा हुआ ही है, तो यहां के लिए ऐसा जाना पड़ेगा जो संभव नहीं है, एक बार पेंसिल उठाना पड़ेगा तभी ये बनेगा, तो 3 नंबर नहीं हो सकता। ये क्या है, ये हमने एक बनाया, ठीक है, दूसरा बनाया, तीसरा जैसे बनाने गए तो क्या हुआ, इसको कट कर दिया, फिर चौथे में फिर से वापस को कट किया, तो ये मतलब क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। ये क्या है, ये सिंपल कर्व है, क्योंकि यूं बनाया ऐसा आ गया, तो 5 नंबर क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया, तो 1, 2, 5 हो गया। 6 भी एक सिंपल कर्व है, ये ऐसा 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 और यूं आ गया, तो 6 भी सिंपल कर्व है, ये भी हम बना सकते हैं बिना पेंसिल उठाए, ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक है। ये नहीं बना सकते, यहां आएंगे यूं आके यूं बना सकते हैं, ऊपर नहीं बनेगा, एक साइड बन सकता है, यहां से चालू किए तो ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो वैसे भी इसमें क्लोज्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं हुआ, तो 1, 2, 5, 6 और 7 जो है वो क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या क्या आएगा, ये भी क्लोज्ड है, तो ये 1 क्लोज्ड है, 2 क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज तो ये भी है लेकिन सिंपल क्लोज्ड नहीं है, ये भी क्लोज्ड है लेकिन नहीं है, ये 5 हो जाएगा, ये उसके बाद 6 हो जाएगा और 7, 1, 2, 5, 6, 7 दोनों के लिए सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ठीक है। पॉलीगॉन कौन कौन सा है, पॉलीगॉन के लिए क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बना हुआ, तो ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, क्या है, ये गोल है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 पॉलीगॉन में 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी नहीं बना है, यहां 2 लाइन सेगमेंट है, बाद में फिर इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं हुआ, ये भी नहीं है, तो ये लाइन सेगमेंट का नहीं है, तो पॉलीगॉन में 1 और 2 ही पॉलीगॉन होगा। कन्वेक्स और कॉनकेव में मैंने आपको बताया था कि होना चाहिए पॉलीगॉन, लेकिन जब भी इसका हम डायगोनल लें, जैसे ये डायगोनल है, ये डायगोनल लिया और ये डायगोनल जो है ये क्या हो गया, बाहर आ गया,
कोई भी डायगोनल बाहर आना ही नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यदि डायगोनल बाहर आ गया तो क्या हो गया, कनकेव हो गया, कन्वेक्स नहीं हुआ, तो कन्वेक्स नहीं होगा, हमको कन्वेक्स बताना है, ये कन्वेक्स हो जाएगा, दो नंबर जो है कन्वेक्स हो जाएगा और दूसरा कोई भी कन्वेक्स नहीं होगा। कनकेव का क्या होगा, कनकेव में सिर्फ वन नंबर आएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया, ठीक है।